गाइस कैसे हो आप सब। मैं आप सबका दोस्त धीरज शर्मा आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ। गाइस गाइस आज हम हमारी वीडियो में टाउन 9 वर्सेस टाउन 9 गो बो लावा लून अटैक की बात करेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को आज। तो गाइस ये टाउन 9 टोटल मैक्स है और इसका जो बेस का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही अच्छा है। इस पर मैंने ही अटैक किया है। तो गाइस गोबो लावालून आर्मी इसमें हम यूज़ करते हैं 3 आर्चर, 3 वॉल ब्रेकर, 15 बलून, 4 विजार्ड, 2 गोलियम, 2 लावा और सीसी में मैक्स बॉलर गाइस। और गाइस स्पेल में 1 हीलिंग, 1 रेंज, 1 जंप, 3 हेस्ट और सीसी में मैक्स पॉइजन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस 2 गोलियम ड्रॉप किए और पीछे विजार्ड से फनल बना के वॉल ब्रेक किया और किंग और क्वीन ड्रॉप किया। अब गाइस फनल बनाने की देर है गाइस। उसके बाद में हम सीसी में जो बॉलर ले गए वो ड्रॉप करेंगे ताकि सीसी के बॉलर आउट ना हो जाए गाइस। और गाइस फनल बनाने के बाद में हमने सीसी के बॉलर ड्रॉप किए और गाइस सेंटर में जंप डाला जिससे अंदर जाए टूब्स और गाइस सीसी के टूब्स बाहर आ गए और हमने रेंज डाली और हीलिंग डाली बॉलर्स को। और गाइस इधर क्वीन घूम गई बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और गाइस पीछे से हमने पहले बलून ड्रॉप किए उसके बाद में उसके पीछे पीछे लावा और गाइस हेस्ट बहुत ही अच्छा फनल बना दिया। और गाइस इस तरीके से इतने टफ और कॉम्प्लिकेटेड बेस भी गोबो लावालून आर्मी से बहुत ही अच्छे से इजी क्लियर हो जाते गाइस। इसमें क्वीन और किंग गाइस आपके पास दोनों अवेलेबल होना चाहिए और अच्छे लेवल होना चाहिए गाइस। और गाइस पूरा डिफेंस उड़ गया है अब केवल क्लियरिंग का काम है गाइस। तो हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गाइस इतना अच्छा बेस था बट गोबो लावालून आर्मी इसके आगे कुछ भी नहीं है कोई भी बेस गाइस। बहुत ही अच्छा अटैक है गाइस ये वाला। और टाउन 9 इजीली फुल हो गया गाइस। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अटैक की तरफ। तो गाइस ये भी सेकंड अटैक है जो मैंने ही किया है गोबो लावालून। गाइस इस बेस का डिफेंस बहुत लो है बट गाइस जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका। और ये टाउन हॉल 10 है बट इसका डिफेंस टाउन हॉल 8 भी नहीं है और बहुत ही अच्छा है गाइस। इसको ऊपर वाइल्ड कार्ड अटैक वर्क नहीं करेगा गाइस। बहुत ही अच्छा बेस है तो इसमें हमने गोबो लावालून अटैक किया। तो गाइस जो आर्मी हमने पिछले अटैक में यूज़ ली थी वही आर्मी इस अटैक में भी यूज़ ली। सबसे पहले हमने गोलम ड्रॉप किए और पीछे विजार्ड से फनल बनाया गाइस और वॉल ब्रेकर से वॉल ब्रेक की। और गाइस में विजार्ड बहुत ही कम होता है तो गाइस को फनल में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और सीसी में बॉलर ड्रॉप किए, यहाँ पे क्वीन भी ड्रॉप की हमने और गाइस यहाँ पे सेंटर में वापस जंप डाल दी जिससे ट्रूप्स आउट ना जाए। सीसी के ट्रूप्स बाहर हैं, हमने रेंज दिया और सीसी को पॉइजन दिया। फिर हीलिंग का यूज़ किया ताकि जो हमारे ट्रूप्स है वो ज़्यादा डेड ख़त्म ना हो जाए। इधर गाइस क्वीन घूम गई जो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई बट गाइस हो गया काम। एक पॉइजन गाइस काफ़ी होता है सीसी को इजीली स्लो करने के लिए। और गाइस हमने क्वीन की एबिलिटी लास्ट तक बचा के रखी और अब गाइस सीसी को ख़त्म करने के लिए क्वीन की एबिलिटी का यूज़ किया गाइस। अब गाइस अब ऊपर से बलून ड्रॉप किए एंड देन पीछे से लावा। अब गाइस जैसे पास में आए बलून और लावा देन हेस्ट का यूज़ किया ताकि पूरा बेस क्लियरिंग ईजी हो जाए। और गाइस ये देखो गाइस इजी देखते देखते ये बेस इजीली क्लियर हो गया बिना कोई प्रॉब्लम के। अब गाइस ये बेस तो हो गया क्लियर। और गाइस पीछे हमने जो विजार्ड और आर्चर छोड़े थे बचा के रखे थे वो क्लियरिंग के लिए काम आएंगे गाइस। तो गाइस ये बेस तो पूरा क्लियर हो गया लगभग। अब केवल क्लियरिंग का काम बचा है तो हम इसको फास्ट कर देते हैं। आप कोई भी बेस इजी टाउन 9 गोबो लावालून से कर सकते हो।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अट्टे की तरफ गाइस। गाइस ये हमारे क्लेन के ट्रांसफार्मर ने किया है। तो गाइस इसका जो ट्रूप्स लेवल है बहुत ही ज़्यादा लो है, इसका लेवल 1 का लावा है, लेवल 2 का गोलम है, बट गाइस इसने ये टाउन हॉल 9 का बेस इजीली क्लियर कर दिया। तो गाइस ये स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। गाइस आर्मी वो सेम ही है, सबसे पहले इन्होंने गोलम ड्रॉप किया और विजार्ड से फनल बनाया एंड किंग और क्वीन ड्रॉप किया, वॉल ब्रेकर से वॉल ब्रेक करने की कोशिश करी और इजीली वॉल ब्रेक हो गई गाइस। अब गाइस फनल बनने के बाद में सीसी में से ड्रॉप्स किए बॉलर्स एंड जंप को बीच में डाला। देन गाइस जैसे एंट्री करी और रेंज यूज़ कर लिया और सीसी में से बॉलर बलून आए मैक्स बाहर और पोजीशन दे दिया गाइस। और गाइस यहाँ पर हीलिंग यूज़ करी बॉलर्स के ऊपर एंड बलून को पीछे क्वीन इजीली बीट कर दिए। और गाइस इधर लावा लून ड्रॉप किए ऊपर से। एंड गाइस मैंने आपको पहले बोला था जैसे लावा लून पास में आए उसके बाद में हेज स्केल को स्पेल का यूज़ करना है जिससे इजी क्लियरिंग हो जाए गाइस। वो बहुत ही अच्छा अटैक किया ट्रांसफार्मर ने लेवल 1 लावा और लेवल 2 गोलम के साथ में। तो गाइस इससे टाउन 9 कोई भी इजी हो सकता है बेस। गाइस अब लगभग पूरा बेस क्लियर हो गया है और अब क्लियरिंग का काम बाकी है। अब गाइस इसने क्लियरिंग के लिए मिनियन का यूज़ किया है जो भी बहुत अच्छा आइडिया है, ताकि अगर जैसे ग्राउंड में कुछ भी अगर वो ट्रूप्स बच जाए तो इजीली कोई बीट ना कर सके और क्लियरिंग का काम इजी हो जाए। तो गाइस अब पूरा बेस क्लियर हो गया है डिफेंस, अब क्लियरिंग का काम है जो हम उसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो गाइस लावा लून गोबो बहुत ही अच्छा अटैक है टाउन 9 के ऊपर, इससे कोई भी बेस इजी क्लियर हो जाता है गाइस। गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अट्टे की तरफ। गाइस ये टाउन 9 में इसका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस इसकी वॉल वीक है। तो गाइस इस पर भी मैंने गोबो लावा लून टेक किया। गाइस इस प्रकार के जो बेस होते हैं उसके ऊपर गोबो लावा लून टेक करना बहुत मुश्किल होता है गाइस। तो गाइस हमने आर्मी सेम रखी है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हमने गोलम ड्रॉप किया देन वॉल ब्रेकर से वॉल ब्रेक की और पीछे विजार्ड से क्लियरिंग और फनल बनाया और किंग और क्वीन ड्रॉप की गाइस। जैसे अच्छा फनल बन गया हमने सीसी में से बॉलर ड्रॉप किए गाइस, ताकि बॉलर सीधा सेंटर में जाए और यहाँ पर हमने साइड में जंप यूज़ करी ताकि गाइस ये जो आगे के दो एयर डिफेंस है ये भी क्लियर हो जाए। और हीलिंग यूज़ करी हमने बॉलर पे, सीसी में से को पॉइजन दिया। अभी भी क्वीन की एबिलिटी बाकी है गाइस। इस प्रकार के बेस पे अटैक करना बहुत मुश्किल होता है बट गाइस हो जाता है। गोबो लावा लून टेक बहुत अच्छा अटैक है टाउन 9 के लिए। तो गाइस देखो अभी तक हमने इसमें बलून और लावा ड्रॉप भी नहीं किए और हमने 3 एयर डिफेंस उड़ा दिए गाइस। तो गाइस इसमें एयर डिफेंस उड़ाने बहुत ये फ़ायदा होगा कि हमारे लावा लून अटैक आर्मी जो है वो ईजिली किसी को भी क्लियर कर देगी। और यहाँ पर अभी भी क्वीन की एबिलिटी बाकी है हमारी और विजार्ड इधर क्लियरिंग का बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब गाइस चारों एयर डिफेंस जैसे ही उड़ गए हमने लावा लून ड्रॉप किया और गाइस ये बेस इजीली क्लियर हो गया। तो गाइस अब हम क्लियरिंग का काम बचा है जो फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं। और अभी भी गाइस लास्ट क्वीन की एबिलिटी बाकी और सारे डिफेंस इजीली उड़ गए। अब गाइस टाइम बहुत ही कम बचा तो क्वीन की एबिलिटी यूज़ की और ये बेस इजीली क्लियर हो गया गाइस। बहुत ही अच्छा बेस था और गाइस गोबो लावा लून अटैक बहुत ही शानदार है टाउन 9 के लिए। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अट्टे की तरफ। गाइस ये एक रिंग और ब्लॉक बेस दोनों है तो इसको गोबो लावा लून अटैक करना बहुत मुश्किल होता है गाइस।
गाइस इसके ए डिफेंस के सामने बहुत सारे कलेक्टर्स हैं, तो हमको फनल बनाना में बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे बेस पे गोबोला वालों अटैक कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। गाइस हमने आर्मी सेम ही यूज़ की है, सबसे पहले हमने गोलम ड्रॉप किया और गाइस इसमें जंप पहले ही स्टार्टिंग में यूज़ कर ली ताकि डायरेक्ट अंदर जाए ट्रूप्स। सीसी में से बलून बाहर आए, हमने सीसी को पॉइजन दिया एंड किंग और क्वीन ड्रॉप किया गाइस। देन वॉल ब्रेकर से वॉल ब्रेक की और सीसी में बॉलर को ड्रॉप किया एंड गाइस बॉलर ड्रॉप करते ही हमने रेंज का यूज़ किया ताकि फटाफट क्लियरिंग हो जाए। और अंदर आते ही गाइस हमने बॉलर को हीलिंग स्पेल दी एंड क्वीन ने अपना वापस, क्वीन ने बहुत ही हेल्प करी गाइस इस अटैक में और दो एयर डिफेंस क्लियर। अब गाइस इसमें दो एयर डिफेंस होते ही गाइस बलून और लावा की बारी आती है और अभी भी क्वीन की एबिलिटी बाकी है और हमें ऊपर से गाइस बलून और लावा ड्रॉप किए और हैस्ट यूज़ किए बलून पे। गाइस इस प्रकार के जो बेस होते हैं उसके ऊपर गोबो लावा अटैक करना बहुत मुश्किल होता है, बट गाइस बहुत अच्छा अटैक है ये टाउन हॉल 9 के ऊपर और कोई भी टाउन हॉल 9 ईजी क्लियर हो जाता है। अभी भी क्वीन की एबिलिटी बाकी है गाइस और इधर लावालून और बलून ने इजीली क्लियर कर दिया। अब गाइस इसमें बलून बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और डिफेंस बहुत ही कम बचे गाइस, तो अभी ये बेस तो इजीली क्लियर हो गया। तो गाइस अब क्लियरिंग का काम बचा है थोड़ा सा तो हम स्पीड में कर देते हैं। तो गाइस गोबो लावा अटैक से आप कोई भी टाउन हॉल 9 इजी क्लियर कर सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।